नमस्कार, आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। महज 3 दिन के बारिश में अगर हम बात करें तो राज्य सरकार के जितने वादे हैं उस पर पानी फिरती नज़र आई और नगर निगम के पोल खुलती नज़र आई। जब आज केंद्रीय कानून मंत्री और पटना साहिब के सांसद अपने क्षेत्र में निरीक्षण करने पहुँचे तो लोग सवाल के घेरे में खड़ा कर दिए सांसद साहब को। ज़रा सुनिए किस तरीके से सांसद साहब जब अपने क्षेत्र में गए तो लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया और हाथ जोड़े सांसद साहब चुपचाप खड़े रहे। पाँच इंदिरा नगर के रहने वाले हैं, उसमें ठेवना भर पानी अभी भी जमा है। हाँ, रोड में पाँच में अभी अभी देखो, खाली गुआ गोबर छाल आ रहा है। अभी देखो, अभी देखो, मंत्री जी जायजा लिया अपने क्या? देखिए, आज मैं इसी काम के लिए आया हूँ कि मैं एक तो पहले मैं PMCH गया, वहाँ मैंने देखा कितने अधिक डेंगू के मरीज हैं। तो जैसा आपने देखा कि वहाँ के स्टूडेंट ने बताया लगभग अभी 16 हैं, 119 आए थे, बाकी सब को फ्री कर दिया गया और बाकी जनरल इलाज के बाद चले गए। अब मैं निकला हूँ, 1 नंबर रोड राजेंद्र नगर गया, वहाँ गंदगी की क्या स्थिति, निर्देश दिया और अभी मैं स्वास्थ्य कैंप में जा रहा हूँ कि वहाँ पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, सब देख रहा हूँ। हम लोग को मिलजुल कर ठीक करना है और भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी का निर्देश है कि अधिक से अधिक जो भी सहयोग होगा हम लोग करेंगे। बिहार सरकार भी कर रही है, जिला प्रशासन, हम लोग सब लोग उसी के लगे हुए। दूसरी तस्वीरें देखिए, ये दूसरी तस्वीरें विधायक जी की हैं। जब विधायक जी अपने गाड़ी पर बैठे तो एक महिला ने आकर उनसे सवाल किया, विधायक जी क्या आप मुझे पहचान रहे हैं? जरा सुनिए क्या कुछ कह रही है महिला। जो सचमुच का खत्म हुआ है, हम आपको देखे, रविशंकर सर को भी देखे, हम अभी उनके पास भी, हम तो आप पहचान रहे हैं हमको, और हम लोग किस हालत में भी हैं। मेरे घर में कुछ नहीं हुआ, टेलीफोन एक्सचेंज में 12 नंबर पर मेरा माइक पूरा खत्म। आप चल कर कोई आदमी 12 नंबर रोड को देखिए, मेरे घर का बात नहीं है, उस रोड में कितने लोग हैं और सबको देखिए प्लीज। और ये तीसरी तस्वीरें जो हमें प्राप्त कराई है हमारे सीनियर सहयोगी अंशु ने, ये तस्वीरें हैं अरुण सिन्हा, ये भी विधायक और इनसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से आक्रोशित लोग इनसे सवाल पूछ रहे हैं, जरा आप वो सुनिए। अब जरा उस व्यक्ति, उस जनता की आवाज़ सुनिए, उस जनता की सवाल सुनिए और कितना विश्वास है अपने विधायक, अपने सांसद पर। दैस जी न्यूज़ पर बात करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं जरा वो सुनिए। तो सुने यही बोले कि ठीक है, मैं अभी जाता हूँ उधर देखने के लिए, उसके बाद देखने के बाद वो क्या कहते हैं नहीं कहते हैं वो तो समझ बताएगा, लेकिन फिलहाल तो वहाँ खाली नरकीय स्थिति, मतलब गोबर और गू केवल छाल आ रहा है ठेवना और पानी में, अब पानी बिल्कुल ब्लैक हो चुका है जो कि डेंगू का खतरा मंडरा रहा है ऊपर। अब हमको तो देखिए भरोसा क्या कहें, हम अब जाते हैं कि नहीं जाते ये तो समय बताएगा, लेकिन उतना हमको नहीं लग रहा है कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, भरोसा नहीं है। तो आपने सुन लिया, तमाम सांसद और नेता जो है हाथ जोड़े खड़े रहे और लोग, जनता सवाल पूछती रही, लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, महामारी की स्थिति है, डेंगू का प्रकोप बढ़ चुका है, ऐसे में कैसे इन जनता को राहत मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। 3 दिन के बारिश में तो पोल खुल ही गया है, द एचडी न्यूज़ ने तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाई हैं। हमारी नज़र तमाम
खबरों पर सबसे पहले है, तमाम तस्वीर हम आप तक सबसे पहले लेकर आते हैं। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सकें। कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं वसीम, द एसजी न्यूज़ पटना।